हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच 22 रसोई। आज हम बनाएंगे हरे हरे मटर से कुछ ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आप कचौरी और समोसा भी भूल जाएंगे। आप पराठा खाओगे ना तो आपको एक एक बाइट में जैसे आप कचौड़ी खा रहे हैं ना वैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए बनाते हैं हरे हरे मटर के कचौड़ी जैसे पराठे। तो सबसे पहले पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ना 1.5 कप भर के हरे मटर जो आते हैं ताजे ताजे वो ले लेंगे, ठीक है, और उसमें डाल देंगे और उसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाद में इसे क्रशी करना है, ठीक है। और ढक्कन को हम ना इस तरीके से रखेंगे ताकि उबाल जब आए, जब बॉईल आए तो पानी बाहर ना सके। जब तक ये बॉईल हो रहा है ना तब तक हम जो पराठे के लिए जो आटा है वो आटा लगा लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी एक परात ले ली है और अब इसमें हम ना 2 कप जितना यहाँ पे गेहूं का आटा लेंगे। हाँ, यहाँ पे हम जो पराठा है वो टोटली गेहूं के आटे से ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम यहाँ पे रोटी से थोड़ा सा ही सख्त आटा हम यहाँ पे गूंदेंगे। यहाँ पे हमें ना तो ज्यादा टाइट आटा गूंदना है ना ही ज्यादा पतला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पराठे का जो डो आता है ना बिल्कुल वैसा ही डो यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम पराठे जैसा यहाँ पे डो लगा लेते हैं। तो डो जो है वो अच्छे से एक बार डो में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेके इसे अच्छे से मसल लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आटा है हमारा, जो डो है वो एकदम सॉफ्ट बनेगा और जब आप पराठे बनाओगे ना तो पराठे अच्छे से और फूले फूले बनेंगे, ठीक है। तो ये डो हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे ऑयल लेंगे और थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद इसे एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे ऑयल के साथ और फिर इसे हम ना ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ठीक है। मैंने आगे भी ऐसे कई पराठों की रेसिपी रखी हुई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी पराठे बना के ट्राई कर सकते हैं। जब तक ये डो जो है हमारा वो रेस्ट कर रहा है ना तब तक हम जो मटर के पराठे के लिए जो हमें फिलिंग बनानी है, जो स्टफिंग बनानी है, वो हम बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप 5 मिनट के बाद मटर जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे हमें 100% बॉईल नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट हो जाए ना तब तक बॉईल नहीं करना है। यहाँ पे बस हमें 5 से 6 मिनट तक ही बॉईल करना है, ठीक है। तो ये देखिए बॉईल हो चुके हैं 5 से 6 मिनट तक, जितना हमें चाहिए उतना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे और जब ये मटर जो है वो ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ना मिक्सी जार में क्रश कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मटर जो है वो हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मटर को थोड़े थोड़े से मिक्सी जार में डाल के यहाँ पे हमें पल्स मोड पे पीसना है, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा दरदराई स्टफिंग चाहिए। तो ये देखिए आपको इस तरीके से इतना स्टफिंग करना है जिससे क्या होगा कि आपको ये पता भी चल सके कि आप मटर के पराठे खा रहे हो, मतलब एकदम हरे हरे मटर भी आपके मुंह में ना आए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, उसे साइड में रखेंगे और एक बड़ा सा पैन लेंगे और अब इसमें हम ना 2 से 3 बड़ी चम्मच जितना यहाँ पे हम घी लेंगे, ठीक है। अगर आप बटर यूज करना चाहते हो तो बटर भी यूज कर सकते हैं और अगर आप तेल यूज करना चाहते हो यानी कि ऑयल यूज करना चाहते हो तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब घी जो है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, लगभग 1/4 टीस्पून जितना जीरा डाला है और अब इसमें ना 1/2 चम्मच जितना हम सौंफ डालेंगे और दोनों को थोड़ी देर के लिए क्रैकल होने देंगे, ठीक है। अब ये देखिए अच्छे से क्रैकल हो चुका है तो थोड़ी सी हम यहाँ पे हींग डालेंगे जिससे ना टेस्ट भी अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ना थोड़ा सा गार्लिक, मैंने यहाँ पे 3 से 4 कली गार्लिक जो है वो चॉप करके यानी कि लहसुन जो है वो चॉप करके यहाँ पे डाला है और अब थोड़ा सा 1/2 इंच जितना अदरक है उसे भी मैंने ग्रेट करके यहाँ पे डाला है। तो इन दोनों को हम अच्छे से एक बार कुक कर लेंगे। तो इन दोनों को हमें ना लाइट गोल्डन होने तक यहाँ पे कुक करना है। तो ये देखिए दोनों अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो
फिलिंग बना के रखा है ना मिक्सी जार में जो क्रश करके रखा है ना मटर, तो वो हम इसमें अब डाल देंगे और इसे हम ना 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से घी में रोस्ट करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये मटर का थोड़ा सा कच्चापन है वो तो वैसे भी निकल चुका है जब हमने मटर बॉईल किया था तब, लेकिन इससे क्या होगा कि 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करने पे मटर की कचौड़ी जैसा जो हमें टेस्ट मिलता है ना एकदम घी वाला, वैसा वाला यहाँ पे टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें ना थोड़ी सी किशमिश डालेंगे एकदम चॉप करके और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे तेल डालेंगे यानी कि सेसम सीड, और इन दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेंगे ताकि क्या होगा कि जो किशमिश है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे थोड़ा। अब 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच भर के हम यहाँ पे बुरा शक्कर डालेंगे यानी कि चीनी डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद लास्ट में हम इसके ऊपर आपको जितने मर्जी हो उतना धनिया यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इन सब को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे यानी कि कुक कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो जाएगा और इसमें हमने जो ये ड्राई मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे, ठीक है। जो हमने पराठा के लिए जो स्टफिंग बनाया है तो वो हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट कुक करने के बाद ये कितना अच्छे से बाइंडिंग हो चुका है, कितना अच्छा इसमें टेस्ट आया है। और आप क्या करें कि ये जो आपने स्टफिंग बनाया है ना एक बार आप इसे ना थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको जो भी मसाले कम लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टफिंग को हम ना थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने देंगे। तब तक हमने जो डो बना के रखा है ना उसे एक बार फिर से अच्छे से गूंद लेंगे और उसके बाद उसमें से आप पराठे जितने भी साइज का बनाना चाहते हो उस साइज का आप यहाँ पे पेड़े बना लीजिए, ठीक है। और बाकी का आटा जो है वो ढक के रख दीजिए। अब हम पेड़े को क्या करेंगे, आधा सा ही मतलब थोड़ा सा ही यहाँ पे हम उसे रोल करेंगे यानी कि बेलेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने पराठे के लिए जो पेड़े है उसकी साइज कितनी ली हुई है और हम इसे कितना बेल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमें इतना ही यहाँ पे बेलना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच भर के जो हमने मटर का जो फिलिंग यानी कि स्टफिंग बना के रखा है ना तो वो हम यहाँ पे 2 चम्मच जितना यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको जो स्टफिंग जो है वो कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तभी यूज करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब हमने 2 चम्मच जितना फिलिंग यहाँ पे डाल दिया है ना उसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे जिससे पराठा जो है उसे रोस्ट करते टाइम वो अच्छे से फूलेगा, ठीक है। अब सबको हम अच्छे से एक कचौड़ी जैसा शेप दे देंगे और उसे रोल कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप पतला मोटा अब जिस तरीके से पराठे घर पे बनाते हैं उस तरीके से आप रोल कर सकते हैं, अपने पराठों की साइज के हिसाब से आप रोल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पतला पतला अच्छा सा बेल लिया है और बाद में इस तरीके से हम ना बेलते जाएंगे और इसे कुक करते जाएंगे, पराठे बनाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतनी साइज का पराठा बेला है और अब हम क्या करेंगे इसे तवे पे रख के कुक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पराठा जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो जब एक साइड जो है वो अच्छे से कुक हो जाए तब हम क्या करेंगे दूसरी साइड उसे पलटा लेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक होने देंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमें लग रहा है कि ये अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे जो ऊपर की साइड है उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और बाद में हम दोनों साइड को लाइट गोल्डन होने तक पराठे को हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे पराठे जो है एक तरफ हम बेलते जाएंगे और एक तरफ हम इसे रोस्ट करते जाएंगे सेम इसी तरीके से। और यहाँ पे अपना रोस्ट करने पराठा जो है वो रोस्ट करने के लिए आप बटर का भी यूज कर सकते हैं तेल की जगह पे, ठीक है। तो ये देखिए एक पराठा अच्छे से बन के रेडी हो चुका है और आप ये देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा बना है, ठीक है। एक और पराठा यहाँ पे हम डाल देंगे और उसे भी पका लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे पराठे बनाएंगे।
दूसरा पराठा भी ये देखिए अच्छे से बन चुका है और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छे से फूल रहा है ना। तो आप भी ये पराठे जो है वो घर पे जरूर ट्राई करिए। आप कचौड़ी बनाना भूल जाएंगे, आप समोसा बनाना भूल जाएंगे और आप यही रेसिपी से आप मटर के पराठे बनाओगे कचौड़ी की जगह पे, ठीक है। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसे ना दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और हरी मिर्च के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर नया इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और आप देख सकते हैं ये पराठा अंदर से देखिए ये स्टफिंग कितना अच्छा बना है ना। जो पराठा है उसका टेस्ट जो है वो एकदम कचौड़ी जैसा ही आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट शुक्रवार को।